तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक रोबोट प्रधानमंत्री को चाय परोसता दिख रहा है। दरअसल ये तस्वीरें पीएम के गुजरात के साइंस सिटी दौरे की है जहां पीएम मोदी रोबोटिक एग्जीबिशन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रोबोटिक्स गैलरी में कई अलग अलग तरह के रोबोट्स का निरीक्षण किया। रोबोटिक्स गैलरी में DRDO रोबोट, माइक्रोबोट्स, एग्रीकल्चर रोबोट, मेडिकल रोबोट, स्पेस रोबोट और बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया था। यहाँ पर एक स्पेशल VR जोन है जो विजिटर्स को ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में ले जाता है। इस गैलरी की यात्रा रोबोट्स कैफे में जाए बिना खत्म नहीं हो सकती है। ये एक सोशल कैफे है जिसमें पीएम मोदी ने विजिट किया था, जिस दौरान पीएम को एक रोबोट ने चाय परोसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि इन आकर्षक प्रदर्शनों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण और रोजमर्रा की जिंदगी में रोबोटिक्स की परिवर्तनकारी शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब आपको बता दें कि पीएम इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे। इसके साथ ही पीएम मोदी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ऐसी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए ABP लाइव। Oh, 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 oh